नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग हो गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि जो शिवसेना है उसके अंदर ढाई साल के अंतराल में, जो ये ढाई साल का समय बीता है, इसमें उद्धव ठाकरे ने जो सरकार चलाई है, उन्होंने शिवसेना का जो मूल सिद्धांत है जिसके बेस पर शिवसेना का निर्माण हुआ, बाला साहब ठाकरे ने जिन विचारों पर शिवसेना का गठन किया था, वो मुद्दे छोड़ दिए। यानी पार्टी है लेकिन पार्टी की विचारधारा वो अब उसके अंदर नहीं बची, ऐसा बहुत सारे विधायकों का मानना है, कुछ सांसदों का मानना है और पार्षद भी एकनाथ शिंदे की इसी बात से सहमत हैं। लेकिन अब इस सबको लेकर के जिस तरह की बातें हमने देखी कि उनके साथ 37 विधायक एक बार पहले सूरत गए, फिर सूरत से गुवाहाटी में शिफ्ट हुए और अब गुवाहाटी में बैठ करके ये सारी स्क्रिप्ट जो लिखी गई, इसमें बाकायदा उन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी, फिर जो डिप्टी स्पीकर है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया और उन्होंने कहा कि ये डिप्टी स्पीकर बदला जाना चाहिए, क्योंकि बहुमत सिद्ध करने के समय ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि मान्यता का जब मुद्दा आएगा कि ये जो विधायक अलग हुए हैं इनकी मान्यता बची के रही। अब इस मुद्दों को देखते हुए स्पीकर का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसी को देखते हुए डिप्टी स्पीकर में अविश्वास प्रस्ताव किया गया और ये कहा गया कि अब इसका चुनाव नहीं माना जाए, नए सिरे से ये बनेगा, क्योंकि बहुमत जो है शिवसेना ने, जिन्होंने इसको चुना था, वो तो हमारे साथ है। और इस सब को देखते हुए अब अभी तक राज्यपाल ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। एक गुट दावा कर रहा है एकनाथ शिंदे का कि बहुमत तो अब हमारे साथ है, मेरे साथ 39 MLA शिवसेना के आ गए हैं, निर्दलीय टूटकर आ गए हैं और उद्धव सरकार अल्पमत में आ गई है, ये उद्धव जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें, उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सपोर्ट करूंगा, यानी देवेंद्र फडणवीस को वो मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने एक और फॉर्मूला सुझाया और उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे हैं वो तो अब मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं, उनसे तो नाराजगी है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन दिया कि महाविकास अघाड़ी से अगर ये समर्थन वापस ले लें, यानी अलग हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के ये सरकार बनाए, तो मैं पूरे ये जो विधायक हैं हम सब लोग एक साथ होंगे। अब इस फॉर्मूले पे काम तो होना नहीं है, तो अब तीसरा ऑप्शन क्या बचा है, दल बदल कानून लागू नहीं हो रहा है, अब इसमें उन्होंने एक नया रास्ता चुनने का, अभी जो खबरें आई है वो ये कि एकनाथ शिंदे अपनी एक अलग पार्टी बना सकते हैं और अभी तक सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि वो बाला साहब ठाकरे नाम इन्वॉल्व करके एक शिवसेना दूसरी कोई बनाएंगे, बाला साहब ठाकरे शिवसेना या क्या इस तरह का कोई नाम, अभी उस पर विचार चल रहा है, लेकिन इतना तय है कि वो भारतीय जनता पार्टी में मर्ज नहीं हो रहे हैं। ये जो खबरें आ रही हैं महाराष्ट्र से वो यही हैं कि वो मर्जर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दो दिन पहले हमने खबरें सुनी थी कि वो भारतीय जनता पार्टी में अपने इस गुट को मर्ज कर सकते हैं, तो उसको देखते हुए अब ये खबरें ये हुआ है कि पार्टी का जो आला कमान है, भारतीय जनता पार्टी का जो हाई कमान है, उससे बात हुई थी और एकनाथ शिंदे दिल्ली आए थे, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली आए थे और ये सब मंथन हुआ था। इसमें भी एक कंडीशन रखी थी उन्होंने, एकनाथ शिंदे ने, कि मर्जर होगा, हम लोग मिलकर सरकार बनाएंगे, बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक हैं, बहुमत बिल्कुल दोनों को मिलाकर के हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कंडीशन रखी थी कि 25 मंत्री हमारे गुट के होने चाहिए और ये 25 मंत्रालय मांगे थे और उप मुख्यमंत्री अपने लिए मांगा था। इसी पर पेच फंसा और भारतीय जनता पार्टी का आला कमान जो है, शायद उन्होंने इस प्रपोजल को नहीं माना और इस फॉर्मूले पर कोई बात नहीं हुई। फिर तीसरा फार्मूला क्या बचा, इसका मतलब कोई रास्ता बचता नहीं है, आप समर्थन करिए और फिर या तो चुनाव में जाइए, विधानसभा भंग होगी। तो अब जो है ये सब जो चीजें हो रही थी, इसमें लेकर जो खबर आई है नई पार्टी बनाएंगे, उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। तो एकनाथ शिंदे अब अपनी अलग से नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, ऐसी खबरें आई है, और अगर ये होता है तो इसके बाद मतलब आप समझिए कि भविष्य में अब अगर विधानसभा भंग होती है तो एक महाराष्ट्र के अंदर एक नई पार्टी देखने को मिलेगी और वो शिवसेना के पैरेलल में खड़ी होगी। निश्चित रूप से शिवसेना को उस पर फर्क पड़ना है, शिवसेना उससे कमजोर होगी और ये शिवसेना के लिए कोई नई बात नहीं है, पहले भी
कुछ नेता टूटकर अलग हुए हैं, और इसी में एक नेता का नाम तो हम सब जानते ही हैं, एमएनएस जो है वो राज ठाकरे की पार्टी, और राज ठाकरे भी इन्हीं मुद्दों को लेकर अलग हुए थे कभी। उन्होंने कहा था कि जो शिवसेना है मूल रूप से वो परिवारवाद के चलते उद्धव ठाकरे को उन्होंने घोषणा कर दिया है अध्यक्ष का, जबकि ज्यादातर शिवसैनिक जो है वो हिंदुत्व के मुद्दे पर मेरे साथ हैं। तो एमएनएस अलग की थी, लेकिन एमएनएस का कोई बहुत ज्यादा असर तो हुआ नहीं। हमने देखा एमएनएस के बहुत सारे विधायक जीतकर भी नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एकनाथ शिंदे का हाल भी एमएनएस की तरह होगा, ये भविष्य बताएगा। लेकिन आज की डेट में जो देखने को मिल रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ ज्यादातर शिवसेना के पुराने कार्यकर्ता, विधायक, सांसद और निगम पार्षद, ये सब एकनाथ शिंदे के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उद्धव ठाकरे से तो ज्यादा लोकप्रिय एकनाथ शिंदे है और मजबूत है। कल को क्या होने वाला है ये अभी बहुत ज्यादा निर्णय होगा, या तो विधानसभा में कि बहुमत क्या होता है, सिद्ध कर पाता है कि नहीं जो एमवीए है महाविकास अघाड़ी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो विधानसभा भंग होगी, और विधानसभा यदि भंग होती है तो चुनाव होंगे, फिर चुनाव में ठीक है पार्टियां अलग अलग होंगी। लेकिन इसके पहले यदि फिर वही फॉर्मूले पे बात होती है कि एकनाथ शिंदे का अपना गुट, उसकी पार्टी और पार्टी की मान्यता, और पार्टी की मान्यता मिल जाए फिर वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें बाहर से अंदर से, ये बाद का विषय है। लेकिन पहला विषय ये होगा कि क्या उनकी बनाई गई नई पार्टी उसको मान्यता मिलेगी, उसके लिए चुनाव आयोग को फैसला करना होता है। और जो अभी तक के कानून के जानकार हैं उनका कहना यह है कि पार्टी को भी मान्यता मिल जाएगी जिस तरह से विधायकों की संख्या एकनाथ शिंदे के पास है, तो इसलिए शायद ये फॉर्मूला उन्होंने सोचा होगा, और उसके बाद उनको लगता है कि वो बार्गेनिंग भी ठीक से कर पाएंगे और फिर वो खुलकर मैदान में आएंगे, क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद बीएमसी का चुनाव होने वाला है, और उस चुनाव में अगर शिवसेना खड़ी है, एनसीपी भी खड़ी होगी और कांग्रेस भी खड़ी होगी, कहीं सामने नई पार्टी भी खड़ी होगी, एमएनएस भी मैदान में होगी, तो एक दिलचस्प मुकाबला महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। और इसमें सबसे ज्यादा फायदा अगर होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि ये शिवसेना के अलग अलग हुए लोग ये आपस में लड़ते रहेंगे, एमएनएस हो गई, नई शिवसेना जो बनने जा रही है वो हो गई, ये सब आपस में लड़ी है, भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो उसके पास है। तो भला तो इनके लिए यही रहता कि ये मर्ज हो जाते, लेकिन उस मर्जर में कई कानूनी पेंच थे, सांसदों की विधायकों की मान्यता रद्द हो सकती थी, इन सबको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। एकनाथ शिंदे पुराने लीडर हैं, पार्टी पर उनकी बहुत पकड़ है, जो शिवसैनिक हैं शिवसैनिक तो उनको सीधा पसंद करते ही हैं, जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि जनता में भी उनकी बहुत पकड़ है। मेरी जो महाराष्ट्र में बात हो रही है लोगों से, वो ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे कमजोर लीडर साबित हुए हैं इस 2.5 साल के कार्यकाल में, जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ा, इन सब मुद्दों पर उद्धव ठाकरे फ्लॉप हो गए, और इसलिए जनता ये चाहती है कि महाराष्ट्र में शिवसेना का नेतृत्व यदि कोई करे तो वो एकनाथ शिंदे ही सही लीडर हो सकते हैं। क्योंकि राज ठाकरे भी अलग हुए थे, एमएनएस नाम की पार्टी बनाई थी, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसे दोष लोगों ने देखे, या यूं कहें उनकी जो आदतें थी उसके बारे में लोग जानते थे, जिसके कारण ज्यादातर महाराष्ट्र की जनता, महिलाएं उनके साथ नहीं जुटी। ये जो एकनाथ शिंदे हैं इनके साथ ऐसा नहीं है, इनकी छवि बहुत अच्छी है, गरीबों के लिए मजदूरों के लिए ये काम करते हैं, महाराष्ट्र के अंदर ये लीडरशिप में भी जब रहे हैं मजदूरों के लिए, कामगार मजदूरों के लिए इन्होंने बहुत काम किया है, थ्री व्हीलर चलाने वाले टैक्सी ड्राइवर उनके लिए बहुत काम किया है, और शिवसैनिकों के कोई काम आ जाए ये 2.5 साल के अंतराल में भी उन्होंने बहुत काम किए। उद्धव ठाकरे जी के कार्यालय में कोई आम कार्यकर्ता शिवसेना का घुस नहीं सकता था, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था, लेकिन एकनाथ शिंदे वो लीडर है जो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की छोटी छोटी बात सुनते थे और उसकी समस्या का समाधान कराने का काम करते थे। इसलिए माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के लोकप्रिय नेताओं में हैं। और अभी जो ये तोड़फोड़ हुई है, जो ये शिवसेना वालों ने, अब वो कार्यकर्ता बने हुए हैं और कार्यालय पर हमला कर रहे हैं, ये एक छवि खराब करने का मामला है। लेकिन अलग पार्टी बनाकर
जिस दिन खुलकर मैदान में ये आएंगे, माना जा रहा है कि वो शिव सैनिकों को भी मनाने में कामयाब होंगे और एक नए तरीके से नई शिवसेना महाराष्ट्र में हमको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, जैसा अब इस समय माहौल चल रहा है। और आपको यहां यह भी बता दूं अंत में कि अभी तक ये कह रहे थे कि मान जाओ, एक हो जाओ, और दूसरी तरफ उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनके घरों पर हमले कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी हटा ली गई। ये दूरी बढ़ाने का काम कर रहा है, ना कि एक करने का। तो महाराष्ट्र के लोगों का कहना है कि ये सब संजय राउत करा रहे हैं, संजय राउत शिवसेना को खुद खत्म करने में लगे हुए हैं, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। सच्चाई क्या है, ये किसके इशारे पर हो रहा है, ये उद्धव ठाकरे ही जानते हैं। और उद्धव ठाकरे के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो शिवसेना को कैसे बचाएंगे, इस सरकार को कैसे बचाएंगे। देखना होगा अगले 24 घंटे में इस पर क्या निर्णय होता है। वंदे मातरम।